everyone. I am welcoming all of you on India's largest learning platform, Unacademy. And yes, on this channel, UPSC 101. And in this time frame, what we used to do, our objective is to discuss about the facts of science and technology. In previous session, we have started discussing about the fact of defense technology itself. और जहाँ तक हमें याद आ रही है कि पिछले सेशन में हम लोगों ने एयरक्राफ्ट्स को पढ़ना स्टार्ट किया था. डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी पढ़ ली हमने, सबमरीन शिप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, सबमरीन से छोड़ी जाने वाली अलग मिसाइल्स की वैरायटी देख ली. जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह रहा था दैट वॉज अबाउट द एयरक्राफ्ट, जिसमें हम लोगों ने कल के सेशन में एयरक्राफ्ट की जनरेशन के बारे में पढ़ा था, राइट? एम आई करेक्ट? ठीक है, तो आज हम लोग उस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे. जो थोड़ा बहुत टॉपिक रह गया था उन चीज़ों को आज हम लोग सेशन में फिनिश अप करने की कोशिश करेंगे. मुझे बताइए फटाफट से कि आपको आवाज़ प्रॉपरली आ रही है या नहीं. एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? यस, जल्दी से मुझे बताइए, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट? जल्दी बताएं. यस सर, यस सर, यस सर, ऑडिबल एंड विजिबल. यस, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. आदित्य, ऑडिबल एंड विजिबल सर. ठीक है यार, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट. ठीक है, ठीक है, चलिए. अगर ऑडिबल विजिबल दोनों हैं यार तो अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो As you are already aware that our plus course has started. हमारा जो plus course है, गुरुकुल plus है, वो आज से start हो गया है. मेरी जो पहली class है वो 7 बजे होने वाली है. 7 बजे से 8:30 बजे तक मेरा जो पहला session है वो continue होगा. तो अभी भी आप में से अगर कोई व्यक्ति join करना चाहता है तो आप join कर सकते हैं. Reason being is that कि जो कॉम्बो ऑफ़र है, दैट कॉम्बो ऑफ़र इज स्टिल वैलिड, वो अभी भी वैलिड है. आज लास्ट डेट है 26th में. तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, जस्ट गो अहेड. दिस इज़ द क्विज एंड स्पेशल सेशन विच आई यूज टू डू ऑन अन अकेडमी एंड माय प्लस कोर्स डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. सो दिस इज़ द ATS10 कोड रिटन ओवर हियर. यू कैन एनरोल योर सेल्फ in that particular plus course of economy. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, discussion continue करते हैं हम लोग थोड़ा सा, right? चलिए, हम लोगों को क्या discuss करना है भाई, क्या discuss करना है? याद आ रहा है कुछ या नहीं? हमारा जो discussion है, जितना मुझे याद है, जनरेशन तक कंप्लीट हो गया था एज फार एज आई रिमेंबर. कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट के टाइप क्या थे ये हम लोगों ने देख ली थी, और जेट फाइटर्स की जनरेशन क्या क्या है इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, राइट? और साथ के साथ कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे. ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, ठीक, यहाँ पर एंड किया था हम लोगों ने. एम आई करेक्ट? जल्दी बताइए भाई, इज दिस करेक्ट? जनरेशन कंप्लीट? ओके, ओके, ऑल राइट. तो एक काम करिए कि आप सभी लोग जा करके फटाफट से ग्रुप के अंदर नोटिफाई कर दीजिए दैट आई हैव स्टार्टेड माय सेशन, कि सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है. उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को, ठीक है ना यार? चलिए, जनरेशन कंप्लीट. हाँ भाई, देख लिया मैंने. ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. चलो आगे बढ़ते हैं यार. जनरेशन से आगे बढ़ते हुए जो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ जनरेशन रिपीट कर दीजिए यार. फिफ्थ जनरेशन के अंदर मैंने सिर्फ इतना बताया था कि जो स्पीड है, स्पीड को बढ़ा करके ध्वनि की रफ्तार का 4 गुना किया गया. मैक 4 की स्पीड अपनाई गई, ठीक. साथ के साथ यहाँ पर जो सिस्टम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके टाइप में थोड़ा सा चेंज किया गया, राइट, ताकि बेटर थ्रस्ट प्रोवाइड हो सके. आर्म्स एंड एम्यूनेशन को के अगर कैरी करने की बात हो तो इसको ऐसा मल्टीफंक्शनल अप्रोच प्रदान करी गई कि चाहे कन्वेंशनल हो चाहे न्यूक्लियर हो, किसी भी टाइप का आर्म्स एंड एम्युनेशन हो,
सभी को इस फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के थ्रू डिप्लॉय किया जा सके, राइट। और जो आपके कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के अंदर मल्टी रोल फंक्शंस आते हैं, मतलब ये कि जो एक्टिव कॉम्बैट के लिए यूज़ हो रहे हैं या बॉम्बर के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, मतलब बम गिराने के लिए अलग यूज़ हो रहे हैं, लगातार इंटरसेप्ट करने के लिए अलग का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिफ्थ जन जो आपके हेलीकॉप्टर्स होंगे उनका इस्तेमाल हर एक परिस्थिति में, जो भी आपके कॉम्बैट की नीड है, एज अ बॉम्बर नीड है, एज अ इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट नीड है, हर जगह वो अपना कार्य कर सके, ठीक है। दिस इज द फिफ्थ जन हेलीकॉप्टर, ऑलराइट। बाकी लोगों का क्या सीन है भाई? यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही बेहतरीन है हम। आप बताएं आप कैसे हैं? आई एम वेरी मच फाइन सद्दकी असगर, ठीक है। चलिए अब आगे चला जाए यार, अब आगे बढ़ दिया जाए। चलिए ठीक है, अगर आप लोगों ने समझ लिया, अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है, तो फिर आगे जो पॉइंट हमारा निकल करके आता है हेलीकॉप्टर्स के बाद, ठीक, वो कुछ प्रमुख हेलीकॉप्टरों के नाम अब हम लोगों को जानने हैं, राइट। कुछ मेजर मेजर हेलीकॉप्टर के बारे में हमें पढ़ना है, जैसे राफेल के बारे में, ठीक है, ध्रुव के बारे में, सुखोई के बारे में, क्योंकि ये सारे मेजर मेजर एयरक्राफ्ट हैं जो इंडियन आर्मी के अंदर डिप्लॉय करे गए हैं, ठीक। थोड़ा बहुत जानकारी आप सभी को इन एयरक्राफ्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए कि कौन सा किस कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और ऐसा करके, राइट। चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और राफेल से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जो लगातार न्यूज़ में और चर्चा में बना रहता है। तो एटलीस्ट सबसे पहले ये तो आप लोग जान ही जाइए, राफेल एयरक्राफ्ट तो आप लोग जान ही जाइए, उसके बाद हम दूसरे की बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। देखिए, कल किसी ने मुझसे सेशन में पूछा था कि अगर जनरेशन की बात करी जाए तो राफेल एयरक्राफ्ट को किस जनरेशन के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा, एंड आई हैव गिवन यू द आंसर एज अ 4.5। याद है मैंने आपको जनरेशन समझाते टाइम मैंने ये बताया था कि एक क्लासिफिकेशन ये भी निकल करके आया है जिसके अंदर फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के बीच में एक 4.5 जनरेशन क्रिएट करी गई है। और ये जो 4.5 जनरेशन है ये क्या है कि भाई फोर्थ जनरेशन से इसके जो फीचर्स है थोड़े से उन्नत है, लेकिन पांचवे जनरेशन से क्या है आपके कम है, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में क्या था, ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट था, याद आ रहा है, ऑटोमेशन की मैंने बात करी थी, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करी थी, राइट। फिफ्थ जनरेशन में ये ऑटोमेशन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था जिससे जो यूज़र इंटरफेस है वो और ज़्यादा बेटर और स्मूथ हो सके। यूज़र इंटरफेस का क्या मतलब है कि जो पायलट है, जो चलाने वाला व्यक्ति है, वो ज़्यादा स्मूथली अपने एयरक्राफ्ट को चला सके, इसी वजह से तो सिस्टम इंप्लीमेंट किए गए, राइट। तो इसके अंदर भी ये सारे के सारे सिस्टम हैं, बट हाँ उनके जो एडवांस फीचर्स हैं डेफिनेटली वो आपके फिफ्थ जन एयरक्राफ्ट की तुलना में कम है, ठीक। और इसके साथ के साथ जो ये है आपका फोर्थ जन एयरक्राफ्ट, उसकी तुलना में डेफिनेटली ये थोड़ा सा एडवांस है, तो इस वजह से 4.5 जनरेशन के रूप में राफेल को कैटेगराइज किया गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका राफेल है, हम लोगों ने कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है, और फ्रांस का जो डसॉल्ट एविएशन है, डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने इसको क्या कहते हैं मेंटेन किया है, इसको बनाया है। और ये जो आपका एयरक्राफ्ट है इसका इस्तेमाल कैरियर बेस्ड ऑपरेशन, ठीक, और साथ के साथ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दोनों के लिए किया जाता रहा है, ठीक। साथ के साथ राफेल एयरक्राफ्ट का जो यूज़ है वो फ्रांस की वायुसेना और नौसेना, यानी नेवी और आपकी एयर जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, दोनों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक। चलिए, मुझे नहीं याद है अखंड कि किसने पूछा था, बट किसी ने पूछा था जनरेशन के बारे में, मुझे सिर्फ इतना याद है, ठीक है। तो ये जो आपका रॉकेट, ये जो आपका सॉरी एयरक्राफ्ट है, इसका इस्तेमाल फ्रांस के अंदर एज अ नेवी एयरक्राफ्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, और एज अ एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है, दोनों के लिए यूज किया जाता रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। देखिए, इंडिया में बात करें, अगर इंडिया की अगर हम बात करें, तो भारत के अंदर हमने जो समझौता किया है कि हम 36 राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे, ठीक है,
ध्यान रखिएगा बार बार शब्द कॉम्बैट यूज हो रहा है, ठीक है, यानी सामने वाले के जो एयरक्राफ्ट है उन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए मेजरली इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। इसके साथ के साथ 2016 में हम लोगों ने जो आपस में एक अग्रीमेंट साइन किया उसके अंतर्गत ये भी बताया कि हम न सिर्फ 36 राफेल एयरक्राफ्ट्स को इंपोर्ट करेंगे, मतलब खरीदेंगे, प्रोक्योर करेंगे, ठीक, बल्कि उसके साथ साथ हमें अलग अलग उसके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स या इन द सेंस कि जो भी उसमें आर्म्स एंड एम्यूनेशन लगाने हैं, ठीक है, जैसे एयर टू एयर मिसाइल हो गई, ठीक है, विजिबल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हो गई, ये सारी की सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे उसके अंदर लगाएंगे और पूरा का पूरा पैकेज हम लोग फ्रांस से खरीदने वाले हैं, ठीक। इसी वजह से, इसी कारण से पिछले साल लगातार पिछले दो सालों से इसको लेकर के इतना विवाद हो रहा है। विवाद इन द सेंस कि हमने जो पहले डील साइन करी थी उसमें हमने नॉर्मली एयरक्राफ्ट की डील साइन करी थी, लेकिन बाद में अभी जो हमने डील साइन करी है उसके अंदर हमने ये कहा है कि जी एयरक्राफ्ट के साथ साथ उसके जो भी आपके सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, जो सपोर्टिंग आपकी मिसाइल्स वगैरह, वो सब कुछ हमें दीजिए आप, ठीक। अगर हम भारतीय वायुसेना के अलावा की बात करें तो वर्ल्ड में जो इजिप्शियन आपकी एयरफोर्स है, कतर की जो एयरफोर्स है, उन्होंने भी अपने आर्मी के अंदर राफेल को डिप्लॉय किया है, और इसके साथ के साथ अफगानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, लीबिया में, माली में, इन सभी जगह पर जो भी आपके कॉम्बैट ऑपरेशन हुए हैं या युद्ध अभियान हुए हैं वहाँ पर इस राफेल फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है और सक्सेसफुली इस्तेमाल किया गया है। दैट इज वाई, ठीक, यहाँ पर जो राफेल विमान है उसके अंदर के प्लस पॉइंट क्या क्या हैं कि एक तो इसमें डाइवर्सिफाइड तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके के आर्म्स एंड एम्यूनेशन यानी वेपनरी रेंज को डिप्लॉय कर सकते हैं, तरह तरह के हथियारों को ये ले जाने में सक्षम है। इसके साथ के साथ इन जो आपके रिकनसाइंस यानी जो सर्विलांस वाला वर्क होता है, सर्विलांस का मतलब क्या मैंने बताया था, जाँच पड़ताल करना, देखना कि सामने वाले की पोजीशनिंग क्या है, किस पोजीशन पर है, उसकी सही पोजीशन पर सटीक पोजीशन का अंदाज लगाना, ठीक। इसके साथ के साथ एज अ ग्राउंड सपोर्ट मैकेनिज्म काम करना, करेक्ट, या फिर न्यूक्लियर डिटरेंस मिशन हुआ, एंटी शिप स्ट्राइक हुआ, इन सभी चीज़ों के लिए राफेल विमान का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी कारण से जो भारतीय वायुसेना है या भारतीय जो सरकार है उसने फ्रांस के साथ ये समझौते पर हस्ताक्षर किया कि हम राफेल खरीदने वाले, क्योंकि मल्टीपर्पज़ यूज हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए, इसके अलावा ये जो आपका वाइड रेंज ऑफ वेपन मैंने बताया तो इसके अंदर आप मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल, ठीक है, MICA मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग इसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। मिटियोर मिसाइल का मतलब ये होता है कि ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर की दूरी से शत्रु का यानी एनिमी का जो एयरक्राफ्ट है उसको टारगेट करके क्या करे, खत्म कर सके, राइट। अगर आप हमारे यहाँ की कॉम्बैट पोजीशनिंग को दीजिए तो इस तरीके की जो मिसाइल्स हैं उनकी बहुत आवश्यकता है। वहीं अगर आप स्कैल्प क्रूज मिसाइल की बात करिए तो ये 300 किलोमीटर की डिस्टेंस से जो एनिमी का एयरक्राफ्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट। वहीं अगर ये जो MICA मिसाइल सिस्टम है ये बहुत ही वर्सेटाइल एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, राइट, जो रडार गाइडेड सिस्टम होता है और 100 किलोमीटर की शॉर्ट रेंज में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अपने जो टारगेट है उसको हिट करता है क्योंकि रडार के थ्रू इसे गाइड किया जाता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर ये जो सर्विसेज हैं इंडियन आर्मी में, मिराज वगैरह जो सर्विसेज लेकर के जा रहे हैं वो प्राइमरी सॉर्ट ऑफ सर्विसेज को लेकर के डिप्लॉय किए गए हैं, राइट। वहीं दूसरी तरफ राफेल के अंदर हम एडवांस वेपनरी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक। जो एयर टू एयर टारगेट इसके अंदर हम लगाएंगे वो आपके आसमान से लगभग 150 से 300 किलोमीटर की दूरी पर जो आपका एनिमी एरिया है उसको टारगेट कर सकता है, और एक बार अगर इसने उड़ान भरी, मतलब एक बार अगर इसने लिफ्ट किया तो लिफ्ट ऑफ करने के बाद ये लगातार 30,000 फ्लाइट आवर्स, ठीक, 30,000 घंटों तक ये लगातार उड़ान भर सकता है। जस्ट बिकॉज कि ये आपके सर्विलेंस फीचर में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी पता लगाने के लिए, इंटेलिजेंस ऑपरेशन में यानी सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए, तो ऐसे में जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हिंद महासागर,
वहाँ पे कोस्टल एरिया की निगरानी करने में, अपने बाउंड्री को देखने में कि क्या कोई हमारी मरीन बाउंड्री को वायलेट तो नहीं कर रहा, कोई सबमरीन या कोई शिप तो नहीं आ रही, वहाँ पर राफेल का बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, साथ के साथ आने वाले समय में जब हम पाकिस्तान और चीन के अपोजिशन में जाएं, तो उस सिचुएशन में हम इसके वेपन को और भी अपग्रेड बना सकते हैं, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द राफेल सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा, फटाफट से मुझे बताइएगा। जल्दी बताइए भाई, समझ में आया आपको या नहीं? जल्दी से बताओ भाई, आगे चला जाए यार। स्लाइड नहीं गायब हुई है, स्लाइड नहीं गायब हुई है, आगे चला जाए या नहीं आप ये बताइए। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई, और अगले आपके एयरक्राफ्ट के बारे में बात करते हैं। और जो आपका अगला एयरक्राफ्ट है, दिस इज सुखोई। कौन सा? सुखोई। यहाँ पर हम लोग भारत के ही एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के एयरक्राफ्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, तो ये जो सुखोई एयरक्राफ्ट है, कल का अगर आपको जनरेशन वाला लेसन याद हो, तो वहाँ पे जब मैं बार बार सुखोई का नाम ले रहा था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सुखोई को किस देश से लिया होगा, रशिया से, राइट? मैंने बार बार आपको जो फाइटर जेट की जनरेशन बताई थी, उसके अंतर्गत मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई जो सुखोई एयरक्राफ्ट है, राइट, वो कहाँ के फाइटर जेट की जनरेशन है? आपके रशिया की, जो धीरे धीरे आपका क्या हो गया है, प्रगति कर रहा है। ठीक, ये जो आपका एयरक्राफ्ट है, इसकी स्पीड 2 मैक है, यानी ये ध्वनि की रफ्तार से, ध्वनि की 2 गुनी रफ्तार से ये गति कर सकता है। ठीक, अगर इसकी स्पीड 2 मैक है, तो आपके हिसाब से ये किस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा, मुझे बताइएगा। ये किस जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा अगर इसकी गति की सीमा 2 मैक रखी गई है तो, राइट? इस चीज को आप लोग खुद से बताइएगा, क्योंकि कल मैंने आपको बता रखा है। साथ के साथ ये जो आपका सुखोई एयरक्राफ्ट है, ये अपने साथ साथ गन्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, रॉकेट्स, जितनी भी आपकी अदर वेपनरी हैं, उन सभी को लेकर के क्या कर सकता है, कॉम्बैट में जा सकता है, राइट? लेकिन इसकी जनरेशन क्या है, ये बताना आपका काम है, क्योंकि स्पीड अगर 2 मैक है, तो कौन सी जनरेशन होगी, ये चीज मैंने आपको बताई थी। इसके बाद जो अगले एयरक्राफ्ट की अगर हम लोग बात करें, तो भारत के अंदर जो अगला इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है, वो है तेजस। ठीक है, तेजस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया एयरक्राफ्ट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस का मतलब भारत के अंदर निर्मित है, और LCA है। ये जो तेजस है ना, तेजस के आगे हमेशा LCA लिखा रहता है। LCA का मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसका वजन हल्का है, ताकि इफेक्टिवली वॉर सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सके। 2016 में इसको भारतीय सेना के अंदर आपका शामिल किया गया था, कमेंस्ड किया गया था, और अब इसने अपना जो ऑपरेशन है उसे स्टार्ट कर दिया है। किसने? तेजस ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए तेजस LCA लिखा हुआ है। तेजस LCA का क्या मतलब हो गया? आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो मैंने आपको समझाया है। ठीक, मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं, उनके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो तेजस आपका वायुयान है, ठीक है, उसके प्रोक्योरमेंट को सरकार बहुत ही जल्दी हरी झंडी देने वाली है। यानी जो हमारी वायुसेना है, वायुसेना में एक पूरी की पूरी फ्लीट तेजस एयरक्राफ्ट्स की बनाए जाने वाली है। तेजस एयरक्राफ्ट का पूरा फ्लीट बनाया जाने वाला है, जिससे हम अपने सिस्टम को अपने जो दुश्मन देश हैं उनके विरुद्ध थोड़ा सा और बेटर और मजबूत बना सकें, राइट? अगला जो यहाँ पर भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एयरक्राफ्ट आता है, दैट इज सुपर हरक्यूलिस। ठीक, C-130J सुपर हरक्यूलिस। ठीक, ये जो C-130J सुपर हरक्यूलिस है, इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन। क्या नाम है? लॉकहीड मार्टिन। अब आप खुद बताइए कि ये जो लॉकहीड मार्टिन है, ये कहाँ की कंपनी है? कहाँ की कंपनी है? USA की,
कल मैंने बार बार आपको यूएसए नाम लिया था ना, दो ही नाम मैं ले रहा था, एक तरफ लॉकहीड मार्टिन का नाम ले रहा था, एक तरफ सुखोई का नाम ले रहा था। एक आपकी यूएसए की बन रही थी, एक आपकी कहाँ की बन रही थी, यूएसएसआर रशिया की बन रही थी, ठीक है ना। तो ये जो आपका सुपर हरक्यूलिस है, इसको अमेरिका की तरफ से लिया गया है, ठीक। और भारत का जो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, उसमें 5 सुपर हरक्यूलिस विमान शामिल किए गए हैं। कितने शामिल किए गए हैं? 5 हरक्यूलिस विमान शामिल किए गए हैं, जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक। इसके अलावा हमारे एयरफोर्स के अंदर C-17 ग्लोब मास्टर, जो C-17 ग्लोब मास्टर है, बोइंग कंपनी के थ्रू इसको बनाया गया है। ये भी यूएसएएफ की है, यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के अंदर ये काम करती थी। 1980 के दशक में इसको डेवलप किया गया था, बाद में इसको मैकडोनल्ड डगलस के द्वारा डेवलप किया गया। मैकडोनल्ड डगलस का भी हम लोगों ने कल नाम लिया है, ठीक है। इसका भी ये इसका काम भी आपका मेजरली जो ग्लोब मास्टर है, आपकी कैरियज के तौर पे वॉर टाइम सिचुएशन में जो हमारी आर्मी है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है, और बेटर सर्विलांस सिस्टम वगैरह के लिए C-17 ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। आप देखिएगा अक्सर जो आपके मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, ठीक, या आपदा वाली सिचुएशन आती है, वहां पर कार्गो को, सामानों को ले जाने के लिए जो C-17 ग्लोब मास्टर है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, अक्सर अक्सर न्यूज में उसकी फोटो आती है, राइट। नेक्स्ट यहां पर जो एयरक्राफ्ट के बारे में नाम आता है, दिस इज दी स्पेस सेक्ट जैगुआर, ठीक है। ये जो सीपेक्ट जैगुआर है, ये कौन सी चीज है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जितने भी एयरक्राफ्ट के मैं नाम ले रहा हूँ, जितने भी विमानों के मैं नाम ले रहा हूँ, ये वो हैं जिनको भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है। जो तो इंडियन एयरफोर्स है ना, वो इन सभी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है ऑलरेडी, राइट। चलिए, तो ये जो जैगुआर है, जैगुआर हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटिश आर्मी से लिया है, या ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स, इन दोनों ने मिल करके जैगुआर को डेवलप किया, ठीक है। दो वायु सेनाओं ने मिल करके इसको डेवलप किया था, और वर्तमान में जो भारतीय वायुसेना है वो जैगुआर का इस्तेमाल कर रही है, ठीक। ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ फाइटर जेट। क्या है ये? फाइटर जेट है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मिराज की। किसकी बात करते हैं? मिराज की। तो ये जो मिराज 2000 है, मिराज 2000 भी भारत का बहुत पुराना और आपका हाईली यूज्ड क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल हम लोगों ने जैश मोहम्मद के जो शिविर थे उसको खत्म करने के लिए किया था, ठीक है। हमारे जो बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई थी ना, तो बालाकोट में लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल के अराउंड जो जैश मोहम्मद के कैंप्स थे, उन जैश मोहम्मद के कैंप को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिराज 2000 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया था, राइट। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी एज अ कॉम्बैट और एज अ बॉम्बर दोनों इस्तेमाल किया जाता है, और ये 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। किस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है? 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ध्यान में आ रहा है या नहीं? ठीक है, फटाफट से बताइएगा भाई, समझ में आ रहा है? जनरेशन ध्यान रखिएगा, 4th जन का एयरक्राफ्ट है आपका मिराज 2000, ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी चेंज द स्लाइड। मिराज के बाद जो अगला नाम आता है, दैट इज द अपाचे हेलीकॉप्टर, ठीक है ना। हेलीकॉप्टर्स के कुछ अब नाम निकल करके आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आ रहा है अपाचे। मुझे फटाफट से बताइए, अंदर नीचे लिख करके बताइए कि जो अपाचे ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, हमने कहाँ से लिए हैं? अपाचे हेलीकॉप्टर किधर से लिया है हमने? किस कंट्री से हमने इसको आयात किया है, ठीक। ये भी आपका मल्टीपर्पस या मल्टी रोल हैवी एयरक्राफ्ट है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो कौन कौन सी है कि एयर टू एयर मिसाइल ये छोड़ सकता है, बहुत तरीके के आर्म्स एंड एम्युनिशन को ले जा सकता है, एंटी टैंक मिसाइल को ये छोड़ सकता है, और साथ के साथ
लेजर गाइडेड मिसाइल होती है, यस यूएसए, जो लेजर गाइडेड मिसाइल होती है फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर बेस होती है। फायर एंड फॉरगेट मैंने आपको बताया है कि एक बार आपने अगर टारगेट को फिक्स करके उनको छोड़ दिया तो वो जा करके सीधा टारगेट को हिट करती हैं। इसी को क्या कहा जाता है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। ठीक, तो ये जो आपका अपाचे हेलीकॉप्टर है, हर सिचुएशन में ये आपके कई तरीके के वर्क को परफॉर्म कर सकता है, और इसके अंदर जो वेपनरीज डिप्लॉय करी जाती हैं वो बहुत ही हैवी, बहुत ही डाइवर्स रेंज की होती हैं। लाइक एयर टू एयर मिसाइल्स भी हैं इसके अंदर, एंटी टैंक मिसाइल भी है इसके अंदर, रडार गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, सभी तरह की हैं यहाँ पर। ठीक, इसके बाद M21 फाइटर जेट, MiG-21। मिग कहाँ का है, कल मैंने मिग का नाम लिया था, सोवियत संघ का, ठीक है ना, रशिया का है। ठीक, तो ये जो आपका मिग है या मिग सीरीज का ये जो फाइटर जेट है, इसको हम लोगों ने इंडिया में रशिया से खरीदा था। रशिया में 1951 में मिग सीरीज ने सर्विस देनी शुरू करी थी। मिग जो सीरीज है ना रशिया में, वो 1959 से शुरू हो गई थी, और ये भारतीय सेना का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। सुपरसोनिक यानी जो आपकी ध्वनि की गति से तेज चल रहा हो, सब सोनिक जो ध्वनि की स्पीड से नीचे हो, सुपरसोनिक जो ध्वनि की गति से आपका तेज चल रहा हो। ठीक, इसके बाद अगले एक हेलीकॉप्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो 2015 में रशिया के साथ हम लोगों ने भारत रूस शिखर सम्मेलन के अंदर हम लोगों ने एक सौदे पर हस्ताक्षर किया था, एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था, एंड दिस एग्रीमेंट वाज $1 बिलियन। कितने का था, $1 बिलियन का एग्रीमेंट था, जिसमें भारत को 200 जो कुमोव हेलीकॉप्टर हैं उनको देने की योजना बनाई गई थी। ठीक है, 2015 में रशिया के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है 200 कुमोव KA-226T हेलीकॉप्टर्स लेने का, कहाँ से, रशिया से। और ये जो ध्यान देने वाली बात है, ये जो आपका हेलीकॉप्टर है ये सिविल और आर्मी, ठीक, ध्यान दीजिएगा, सिविल और आर्मी दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल इसका किया जा सकता है, राइट। आम सिविल पर्पस के लिए भी, नागरिक कार्यों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक डिजास्टर सिचुएशन में लोगों को सपोर्ट वगैरह उपलब्ध करवाने के लिए, और साथ के साथ कॉम्बैट सिस्टम में, वॉर सिचुएशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, अब अगर हम लोग, कुछ लोग अपने इंडिजीनियस या स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर की बात करें, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है ध्रुव। HAL का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी ये जो हेलीकॉप्टर है इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक, ये जो आपका हेलीकॉप्टर है इसको ALH कैटेगरी में रखते हैं, यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, एडवांस भी है और लाइट हेलीकॉप्टर है। ठीक, और ये मल्टी रोल यानी मल्टीपर्पस इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर है ये आपका। ठीक, साथ के साथ ये 5.5 टन के लिफ्ट ऑफ वेट के साथ इंडिया के अंदर काफी हेविली यूज होने वाला नया हेलीकॉप्टर है, जिसे HAL ध्रुवा। ऑलराइट, दूसरा आपका आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया रुद्र। कौन सा हेलीकॉप्टर, रुद्र। ठीक है, ये जो ध्रुव है ना, ध्रुव के अंदर ही जब आप नए नए अस्त्र या शस्त्र यानी नए वेपनरीज को लगा देंगे तो उसी को रुद्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये जो HAL रुद्रा है ये HAL ध्रुव का एडवांस वर्जन है, ठीक, या फिर HAL ध्रुव का आर्म्ड वर्जन है, यानी जब आप ध्रुव के को आर्म्स एंड एम्यूनेशन के साथ लैस कर देंगे तो जिस वर उसका नाम चेंज होकर के किस में चला जाएगा, आपका HAL रुद्र में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। HAL ध्रुव और HAL रुद्र के बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज HAL चेतक। कौन सा, HAL चेतक। ये जो चेतक है ये आपका, ये भी मल्टीपर्पस एयरक्राफ्ट है, यानी वॉर सिचुएशन के अंदर, और आपके किस किस सिचुएशन के अंदर भाई, जो सिविल सिचुएशन है उस सिचुएशन में, यानी मल्टीपर्पस इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और हर टाइप के सीजन, हर टाइप की सिचुएशन में आपके चेतक का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अगर लिफ्ट ऑफ वेट की बात करें, कितने वजन के साथ ये उड़ान भरता है, तो ये 2 टन क्लास के अंतर्गत आता है, यानी इसका जो लिफ्ट ऑफ वेट है वो कितना है, आपका 2 टन निर्धारित किया गया है। ठीक, मुझे बताइए यहाँ तक हमने जो भी चीजें आपके साथ डिस्कस करी वो आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई, मुझे
मुझे फटाफट से आप लोग बताइएगा, ठीक, जल्दी जल्दी बताते जाइए कि भाई आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं समझ में आ रही हैं। इसके बाद एक और हेलीकॉप्टर की अगर हम लोग बात करें, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ही डेवलप किया गया है, तो द नेम इज सीता। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा क्या निर्मित किया गया है? चीता। ये जो चीता है एयरक्राफ्ट है, या चीता ये जो आपका क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर है, इसको HAL और फ्रांस का एरोस्पेटियोल, दो संस्थाएं हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान एयर लिमिटेड है और फ्रांस की एजेंसी है एरोस्पेटियोल, ठीक है ना। इसके द्वारा, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा मिल करके इस चीता का डेवलपमेंट किया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये बना हुआ है, ठीक है ना। ठीक, तो ये हुआ भारत के अंदर इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रमुख एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, कैरियज फ्लाइट्स, सारी की सारी चीजें। ये जितने भी मैंने आपको एयरक्राफ्ट्स बताए, आई होप ये सारे के सारे पॉइंट, ये सारी की सारी चीजें आप सभी को समझ में आई होंगी, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, प्लीज डू नोटिफाई मी, मुझे फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हो तो भाई जल्दी से आप लोग बताइए। नैन्सी भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है और ना ही छूट दी जा सकती है आपको, ठीक है। यार मैच तो कॉलम में ज्यादा चांसेस होते हैं कि कौन किस टाइप का है, मैच तो कॉलम मेजरली पूछा जाता है, ठीक है। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है ठीक है। चलिए, अगर सभी चीज़ें क्लियर हैं, अगर सारी चीज़ें आपको समझ आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। नंदिनी, हम लोग बात कर रहे हैं फाइटर जेट की, अगर हमारी गति अभी भी नहीं तेज होगी, अगर हमारी स्पीड अभी भी तेज नहीं होगी तो कब होगी? यहाँ पर देख रहे हो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक फाइटर जेट्स की बातें चल रही हैं, तो स्पीड तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जानी है, ठीक। यस संजना, आई नो आई नो, ठीक है। कल पीपीटी नहीं दिखाया था, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बिना पीपीटी के पढ़ा दूं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पीपीटी तो ज़रूर शो करी होगी मैंने, आपने स्क्रीनशॉट नहीं हुआ लिया होगा, वो पॉसिबल हो सकता है, ठीक। मैंने जो बोला आप केवल उतना भी अगर नोट कर ले रही हैं मनदीप, तो भी बहुत ही बेहतर है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है, क्योंकि पीपीटी में जितना लिखा होता है उससे ज़्यादा ही मैं बक बक कर देता हूँ, ठीक है, तो उससे एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही मैं आपको बता देता हूँ, सो डोंट वरी, राइट। एडवर्टीजमेंट आ जा रहा है बीच बीच में, अब यार एडवर्टीजमेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एडवर्टीजमेंट के लिए या तो ये है कि या तो तुम यूट्यूब का पेड वर्जन खरीद लो, और या तो भाई सब्सक्रिप्शन ले लो अनअकैडमी का, दो ही चीज़ है, और तो एडवर्टीजमेंट से बचने का और कोई रिजॉल्ट तो है नहीं, ठीक है ना, और तो कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। पूनम, केवल कैरियज हेलीकॉप्टर है आपके कॉम्बैट सिचुएशन में, जो आपका आर्म्स एंड एम्युनिशन होते हैं, ट्रूप्स होते हैं, डिजास्टर सिचुएशन में मदद पहुंचानी होती है, उन सब जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। चलिए, कौन सी स्लाइड आपको दिखा दें, कौन सी स्लाइड आपको दिखा दें मोनिका जी, बताइए, आप जो सी कहेंगी हम वो स्लाइड आपको बता देते हैं यार, ठीक है, बता दें, मतलब मुझे आपको नोटिफाई करना पड़ेगा कि जी ये स्लाइड आपने नहीं दिखाई है, ठीक। कौन सा वाला स्लाइड आपको नहीं दिखाया है भाई? मैंने जनरेशन वनरेशन सारी चीज़ें ही तो समझाई थी आपको, ठीक, मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई थी यार, जितना मुझे याद आ रहा है। किसी को है क्या? हाँ जी, फर्स्ट जनरेशन टू सिक्स जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन टू सिक्स जनरेशन नहीं समझ नहीं था यार, मैंने मैंने एक्सप्लेन किया था, वो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, वो स्लाइड बनी तो थी जिसमें वो पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट बने हुए थे, उन्हीं को नोट डाउन कर लो, ठीक, उसी चीज़ को नोट डाउन कर लो, वो जो क्या कहते हैं, मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक।
संजना पहले आप इतना ही कर लीजिए, ठीक है? पहले इतना ही कर लो, उसके बाद हम बताएंगे कि आगे क्या करना है, ठीक है? पहले ये इतनी चीजें तो कंप्लीट कर लो यार, ठीक है? उसके बाद फर्स्ट ही स्लाइड थी, उसी के अंदर, हाँ उसी के अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था यार, सारी जनरेशन एक साथ, ठीक? सारी की सारी चीजें लिख देंगे तो मेरी कहानी सुनाने का मतलब क्या रह जाएगा? मतलब मैं कुछ बकबक कर रहा हूँ, उसका भी तो कुछ अर्थ होना चाहिए ना। अगर सब कुछ लिखा ही रहेगा फिर मैं हट जाता हूँ, मस्त पीपीटी चलने देते हैं। मोनिका नोट डाउन कर लीजिए उसको, ठीक है? ओके ओके ठीक है भाई। मेरे नेक्स्ट सेशन जो हम अपना डिफेंस साइंस का रखेंगे, उसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम लोगों ने छोड़ रखा है, मेजर टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। थोड़ा सा भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है साइंस एंड टेक के अंदर। तो वो वाला पार्ट हम लोग कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? तो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू मॉड्यूल फ्रॉम नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन से हम लोग नया एक चीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक? अपार्ट फ्रॉम दैट भाई, अगर अभी भी आप में से किसी कोई जन सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए हैं, तो फिर भी मैं कहूँगा कि ये ऑफ़र आपके लिए बहुत ही बेहतर है और इकोनॉमिकली बेहतर है, क्योंकि GS प्लस ऑप्शनल दोनों आपको बहुत ही जेन्युइन प्राइस में मिल रहा है। 26th of May इज़ द लास्ट डे, विच मीन्स टुडे इज़ द लास्ट डे, और अभी से लगभग 1 घंटे बाद मैं अपना पहला प्लस पे अपनी क्लास लेने जा रहा हूँ। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप आ सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो नॉर्मल प्लस और आइकॉनिक के चार्जेस हैं दैट आर रिटन हियर, राइट? बट येस, आई वुड सजेस्ट कि आप कॉम्बो ऑफर के लिए जाइए, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा फीजेबल है, ठीक है? ज़्यादा बेहतर ऑफर है उसको, क्या कहते हैं, क्या ज्वाइन करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दिस इज़ माई थिंकिंग, राइट? आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि एक ही सब्सक्रिप्शन में आपका GS का और ऑप्शनल का दोनों काम पूरा पूरा हो जाएगा, साल भर या 2 साल के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने दिनों के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो अगर अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो टाइम अभी भी है, बट यू हैव टू डिसाइड वेरी फास्ट, वेरी क्विकली। तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, जो भी इशू है अपने कंसर्न रख सकते हैं अर्षद तिवारी 101 पे, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट एंड ऑल ऑफ योर कंसर्न। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन, ऑल राइट, बाय बाय।